आज हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं पुंछ का किला, जो कुछ साल पहले राजा महाराजाओं की आन बान और शान हुआ करता था। आज वही किला एक खंडहर बन चुका है। इस किले का जायजा लेने के लिए द अर्थ न्यूज की टीम ने पूरे किले का मुआयना किया। आज हालात इस किले के ऐसे हो चुके हैं कि जिसे सुनकर लोगों को बहुत दुख होगा। किले में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। किले में इतनी गंदगी है कि एक पल भी खड़ा होना मुश्किल है। इसके साथ साथ किले के आगे इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि किले का दिख पाना नामुमकिन सा हो गया है। हमारी सरकार से अपील है कि जल्द से जल्द इस किले पर ध्यान दिया जाए, ताकि ये किला खत्म ना हो जाए। हजार साल पहले बना हुआ है, राजा रुस्तम, उसके बाद और राजे आए, फिर यहाँ डोगरा राज आया। तो ये किला बहुत पुराना है। तो कुछ देर पहले तो किले की मरम्मत हो रही थी, रिपेयर हो रही थी कि हेरिटेज है, इसको महफूज किया जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी पुरानी इमारतें हैं, हिंदुस्तान क्या दुनिया में जितनी हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसके ये सबसे बड़ा मकसद होता है कि जो पुरानी बिल्डिंग हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जो उनको महफूज किया जाए, क्योंकि वो आसार कदीमा की एक याददाश्त और निशानी होती है। और उससे पता चलता है कि जिस शहर में ऐसे पुराने किले हों, कोई चीज़ें हों, मंदिर हों, मस्जिद हों, गुरुद्वारे हों, वो उस जगह की शान होती हैं। तो वो काम चल रहा था, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से काम वो बंद है। तो अगर मौजूदा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो उनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, अगर वो फंड्स यहाँ पर यूटिलाइज करें, प्रॉपर करें, और इस किले को जिस तरह से बड़े बड़े किले हैं, दिल्ली में है, रेड फोर्ट है, या बार और स्टेटू में है, जहाँ जहाँ भी जो पुरानी इमारतें हैं, उनको अगर महफूज करके उनको अगर ठीक तरीके से रखा जाए, बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जो इसमें पर्यटन है वो देख सकते हैं, यहाँ की तहजीब सामने आएगी, यहाँ का कल्चर सामने आएगा, यहाँ की भाईचारे की मिसाल होगी। किले के अंदर मस्जिद है, किले के अंदर मंदिर है, किले के अंदर गुरुद्वारा है। एक पता चलता है कि भाई उस वक्त के लोग किस तरह से भाईचारे में यकीन रखते थे। और जो किला है, ये किला एक बहुत बड़ा है, आप हैरान रहेंगे, इस किले के नीचे जो हमारे पहली जंग आज़ादी के लोग वहाँ से गए, यहाँ एक निशानी थी और मंडी हाल में थी। मैं समझता हूँ ये पूंछ में जो पुरानी इमारतें जो राजे महाराजों के वक्त थी, वो इसी तरह तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए, जो हमारे मलिक साहब हैं, सत्यपाल मलिक जी गवर्नर हैं, इज़ गोइंग वेरी वेल। और जब से सत्यपाल मलिक जी आए हैं, आप देखें कि काफ़ी चीज़ों में इजाफा हुआ है। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से मैं उनको भी कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, मीडिया की टीम के साथ यहाँ पे जो है, जो पुंछ की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जिसको किला कहा जाता है, राजा महाराजों ने बड़ा वक्त लगाया होगा इसको बनाने में, लेकिन बड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि इतनी बदतर हालात है इस किले की। और जहाँ पे जो है एक दो सेकंड के लिए जहाँ पे नीचे गए थे देखने के लिए, खड़ा नहीं हो पा रहा है। और इतनी बुरी हालत है इस किले की कि इसके अंदर इतनी गंदगी भी है। तो इसकी तरफ मैं समझता हूँ किसी भी, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इसकी तरफ कुछ तवज्जो नहीं दी है। तो कम से कम इस किले में अगर गवर्नमेंट चाहे तो 100 से ज़्यादा ऑफिस भी इसमें एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ऑफिस को जो है बाहर बिल्डिंगें किराए पे ली हुई हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ख़ासतौर पर अपने एडवाइज़र जी से कम इसको रिपेयर किया जाए, ताकि बाहर से लोग इसको देखने के लिए आएँ। लेकिन कुछ जो लोग दो तीन दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे इसको देखने के लिए, तो इसकी बड़ी बुरी लात आई किले की। तो मैं फिर से एक बार सत्यपाल मलिक जी से अपील करूँगा कि फौरी तौर पर इसको जो है रिपेयर कराया जाए। और ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।